अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्षम न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस तो चली, लेकिन स्कूल में जाकर पढ़ने का जो अनुभव होता है उसकी बात ही अलग होती है। यह बात पहले भले किसी को नहीं समझ आती हो, लेकिन एक साल बाद जब बच्चे अब स्कूल पहुंच रहे हैं तो उन्हें और अध्यापकों को यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है। देश के अनेक राज्यों में धीरे धीरे पहले बड़ी कक्षाओं के लिए और फिर अब प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल खुल चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अपनी रिपोर्ट में आज आपको जम्मू के एक स्कूल की झलकियां दिखाएंगे कि कैसे जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी थी। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जम्मू में स्कूल के अध्यापकों और छात्रों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। 11 महीने के बाद ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे टीचर्स और मैं, इनके माँ बाप से भी हमें ये बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं, अपने बच्चों से भी ये बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं। आज मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है और माता रानी की कृपा से मैंने जैसा कहा कि जम्मू में बहुत इसका कोविड का कम प्रभाव रहा है और माता रानी की कृपा से आज 11 महीने के बाद गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हैं और सभी ठीक ठाक हैं। बच्चे मेरे स्कूल आए हैं जैसा कि आपने देख लिया और इसको शूट भी किया आपने। हर बच्चे ने मास्क पहना है, हर बच्चे के बैग में छोटी बॉटल है, हर बच्चा सैनिटाइज करेगा, बाथरूम में सैनिटाइजर का पूरा सिस्टम है, वॉश का सारा सिस्टम है। हर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी गई है, टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो ऐसा करें। बच्चा बाहर जाता है, क्लास में एंटर करेगा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा, जहाँ बैठेगा वहाँ सैनिटाइज किया जाएगा। मेरे क्लास फोर्थ मेट्स जितनी भी हैं वो बच्चों की निगरानी में पूरी तरह से लगी हुई हैं। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इनकी फैमिली का, जिन्होंने इन 11 महीनों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, और मोरन फैमिली का भी थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने स्कूल में भी ट्रस्ट किया है। और बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे भी स्कूल इतने दिनों के बाद 11 मंथ्स के बाद आए हैं और बहुत ही प्रिपेयर्ड होके आए हैं, और उनको ये भी पता है कि व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन, और स्कूल में आए हैं और उनको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन पेरेंट्स का और इन बच्चों का भी, और जिनको खिलखिलाता हुआ देख के ये स्कूल भी बहुत खुश है और बच्चे भी। सर, मेरा नाम शिवंती शर्मा है, क्लास फिफ्थ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैम ने मुझे फ़ोन किया आपको स्कूल आना है, क्योंकि मेरा बहुत मन था स्कूल आने का। 11 महीने के बाद हम स्कूल आए तो बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें, और हमें मार्क्स अपने ऊपर लगाए रखना है, सैनिटाइज़र हमेशा हमें लगाना है जहाँ भी हम जाएं, तो खाना खाने से पहले भी हमें सैनिटाइज करना है। तो मुझे बहुत खुशी है मैं अपने फ्रेंड से मिल पा रही हूँ, अपने टीचर से मिल पा रही हूँ। हम बहुत खुश हैं कि हम काफ़ी देर बाद स्कूल आए हैं, तो हम अपने टीचर से मिलेंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, पर अभी भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है और सैनिटाइजेशन करनी है। आज हम स्कूल आए हैं बहुत देर बाद, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम अपने टीचर से मिले हैं, फ्रेंड से मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में आके। थैंक यू। घर में बहुत बोर हो रहे थे, स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़े मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा, टीचर से मिलूँगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज। मैं स्कूल आके बहुत खुश हूँ, मेरे को मैम से मिल के, स्टूडेंट से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने फ्रेंड से मिल के मैं चाहती हूँ कि वो भी स्कूल आए और खुश रहें। आइए अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर। जब सर्द हवाएं लोगों को कपा रही हैं तो श्रीनगर की डल झील में वाटर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप जोरों पर चल रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य 20 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए ऊर्जावान खिलाड़ियों को तैयार करना है। चैंपियनशिप में जीत हासिल करने का जज्बा इतना ज्यादा है कि एथलीट आधी जमी हुई डल झील में अपने कौशल को बढ़ा रहे हैं। यह कोचिंग प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कोच बिलिस मीर की देखरेख में चल रही है। इसमें प्रतिभागी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी तकनीकों को सीखने की कोशिश
कर रहे हैं। देखिए अभी माइनस चल रहा है, माइनस की वजह से हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बावजूद अगर गर्मी भी हो सर्दी हो हमारे पास से कुछ नहीं करता है। प्लेयर जो रहता है वो ऑलरेडी प्लेयर रहता है, दल जिन जमा हुआ है, फिर हम पहले उसको तोड़ दें कुल्हाड़ी से या कहीं पाड़ी वगैरह से तोड़ते, फिर थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा नेशनल आने वाला है, हमारा नेशनल इंदौर में हो रहा है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि हमें वहाँ पे एक्सीलेंस हो, हमें वहाँ पे मेडल आ सके। एक प्लेयर का एक प्रिपरेशन बनती है पूरे साल की, इसमें एक एक दिन हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज का दिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम आज के दिन का जो अचीवमेंट है वो अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत ही ज़रूरी है प्लेयर को एक्टिव रखना।